जेपी सीमेंट प्लांट सतना में कार्यरत कर्मचारी के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी किए जाने के बाद उसका शव कलेक्ट्रेट परिसर में रखकर विरोध प्रदर्शन करने के 10 आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा कायम किया गया है। कुछ आरोपी अज्ञात हैं जिनकी पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि कोलगवां थाना के बिरहुली निवासी सत्यम सिंह ने भिलाई में आत्महत्या कर ली थी। मंगलवार को सत्यम का शव गांव आया था। परिजनों ने जेपी भिलाई सीमेंट के बाबूपुर प्लांट के सामने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद शव लेकर परिजन कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए। कलेक्ट्रेट परिसर में रात 10 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की अगुवाई में ये प्रदर्शन चलता रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद परिजन शव लेकर रात 10 बजे के बाद घर चले गए थे। इस मामले में पुलिस ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में शव रखकर प्रदर्शन करने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं शव की अवमानना करने पर नायब तहसीलदार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के तहत हीरामणि सिंह, रण बहादुर सिंह, विक्रम सिंह, विनोद सिंह, लकी सिंह, महेंद्र सिंह, शील कुमार सिंह, अमर सिंह, भूपेंद्र सिंह के अलावा 10 से 15 अज्ञात आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि वीडियो फुटेज और फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।